यूपी में मौत का मंगलवार, बाराबंकी में मासूमों की मौत, तेज रफ्तार ने ले ली मासूमों की जान, पिकनिक मनाते मनाते जिंदगी हुई खत्म। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इस वक्त बेहद दुखद खबर सामने आई है। तेज रफ्तार ने स्कूल के 6 मासूम बच्चों को हमेशा के लिए सुला दिया है। विकास खंड सूरजगंज के कंपोजिट विद्यालय हरका के बच्चे लखनऊ में पिकनिक मनाने गए थे और चिड़ियाघर से वापस आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बस पलट गई और 6 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही बस ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद बस पलट गई और ये हादसा हो गया। बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर में यह हादसा हुआ, जिसमें कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। कितनों के घरों के चिराग बुझ गए। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? वो बच्चे जो कुछ देर पहले तक हंस गा रहे थे, वे मौत के आगोश में कैसे चले गए? और इस वक्त ना तो उतना अंधेरा हुआ है कि अंधेरे में ये घटना हुई हो, तो फिर स्कूल की बस कैसे दिखाई नहीं दी जो ट्रक टकरा गई? वहीं सवाल बस ड्राइवर पर भी उठता है कि वो इतनी तेजी के साथ छोटे बच्चों को बस में लेकर जा रहा था कि उसे ट्रक दिखाई नहीं दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बस दुआ यही है कि जो बच्चे घायल हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।